है आप सभी का आज इस वीडियो में। और यहाँ पर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उसपे सिलेबस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये डाउट आ रहा था कि कोर्सेज अलग अलग कोर्सेज के लिए हर स्टूडेंट अप्लाई करता है और हर जो कोर्स है उसके लिए एक अलग सिलेबस यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी ने एग्जाम के लिए रखा हुआ है। तो क्यों ना यहाँ पे इस वीडियो में आप सभी को एक चीज क्लियर हो जाए कि आपका जो सिलेबस है वो क्या आने वाला है। जैसे आप अगर LABTECH के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या होगा, अगर आप BBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या होगा। तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, तो इसलिए मैंने आज यहाँ पे एक वीडियो बनाने का फैसला लिया है। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, IP यूनिवर्सिटी के ऊपर मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर रखे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर मैंने बना रखी है, कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं वो मैंने वीडियो बना रखी है। अगर वो वाली आपको वीडियो देखनी है तो उसकी मैं प्लेलिस्ट का लिंक अपने आई कार्ड में दे दूंगा, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, आपको ऊपर भी शो हो रहा होगा आई कार्ड, तो आप वहाँ पर वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए गाइज आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए एडमिशन ब्रोशर का ही पार्ट है, सिलेबस ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो हो सकता है आपको ये वाली बात पता हो, लेकिन जिन जिनको नहीं पता मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले BTECH कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो यहाँ पर लिखे हुए हैं सब्जेक्ट्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट वो क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। LABTECH वाले जो हैं डिप्लोमा वाले बच्चे उनका जो CET कोड है पहले तो वो 128 है, उनका जो एंट्रेंस टेस्ट में सब्जेक्ट होंगे वो क्या क्या होंगे, एक तो अप्लाइड मैकेनिक्स होगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा, एक कंप्यूटर अवेयरनेस एंड फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड नॉलेज होगी और एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग होगी। तो LABTECH वाला क्या होता है, लेटरल एंट्री BTECH वाले जो होते हैं जो सेकंड ईयर में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, जिन्होंने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया हुआ होता है उनका डायरेक्ट BTECH में सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, तो उनको एग्जाम देना पड़ता है और वो एग्जाम जो है IP यूनिवर्सिटी वाले कंडक्ट करवाएंगे। तो उसमें ये सब्जेक्ट्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है 25-25-25-25, तो ऐसे आपके यहाँ पे 100% का पेपर बन जाएगा। अगर आप LABTECH वाले हैं और BSc आपने करी हुई है पहले और आप LABTECH में लेना चाहते हैं तो आपके लिए BSc लेवल की मैथमेटिक्स पूछी जाएगी 40%, इंग्लिश पूछी जाएगी आपसे 10+2 लेवल 20%, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग 20% एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड भी 20%। अगर आप BTECH BT वाले हैं यानी बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप BTECH ले रहे हैं तो आपका भी पेपर IP यूनिवर्सिटी करवाएगी और यहाँ पे जो आपको आएगा वो आएगा फिजिक्स 12th लेवल की, केमिस्ट्री भी 12th लेवल की, मैथमेटिक्स भी 12th लेवल की और बायोलॉजी में बोटोनी एंड जूलॉजी वो भी 12th लेवल की 40% और बायोटेक्नोलॉजी अप टू 12th लेवल 40%, इतनी चीजें आएंगी और जो पेपर होगा वो IP की तरफ से ही होगा। अब जो BTECH है 131 उनका जो होगा वो JEE मेन से होगा, जैसे कि आप सभी को पता ही है, तो उसका जो सिलेबस है वो भी आप सभी को पता ही है JEE मेन वाला और आप ऑलरेडी कर भी रहे होंगे उसकी तैयारी। अब देख लेते हैं MTECH कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्या पे होगा। यहाँ पे तो यहाँ लिखा हुआ है MTECH CS के लिए एज पर द सिलेबस ऑफ GATE कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप GATE की साइट पर वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, हालांकि आपको पता ही होगा जब आप GATE की तैयारी कर रहे हैं तो इतना टाइम से पहले चाहिए होती है। सिमिलरली MTECH EC और MTECH TE वाले भी GATE की आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी जो अदर ब्रांचेस हैं वो लिखा हुआ है C सेक्शन 3.2.3, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जाके। बाकी कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज पर द सिलेबस ऑफ द GATEs। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट फॉर GATE स्कॉलर्स अप्लाइंग फॉर MTECH रेगुलर एडमिशंस, कैंडिडेट जो GATE में स्कोर मस्ट अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर शेड्यूल नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी। तो जो जो GATE के स्कोर पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको एक वेरिफिकेशन करवाना होगा डॉक्यूमेंट का जो यूनिवर्सिटी नोटिफाई करेगी। तो अगर आपको नोटिफिकेशन वो टाइम पर चाहिए MBA जो MTECH वाले बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मेरे चैनल पे IP यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर वीडियो टाइम पे आपको मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होने वाला है वो वाला, क्योंकि अगर आपने उसमें देर कर दी तो आपका एडमिशन रुक भी सकता है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन होना है आपका डॉक्यूमेंट का। तो चलिए यहाँ पे तो हम खैर सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं सिलेबस फॉर CET फॉर MTECH बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी अगर आप MTECH में ले रहे हैं तो आपको बायोकेमिस्ट्री एंजाइमोलॉजी में यह सब आएगा, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, तो ये सब आपका सिलेबस हो रहा है। इसके बाद इम्यूनोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिव, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, तो आप वीडियो को पॉज करके टॉपिक्स को आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी आप ये वाली जो PDF है इसको लगा सकते हैं, एडमिशन ब्रोशर जो आपको IPU की साइट पे शो हो रही है वो मैंने बता रखी है, आपको कैसे डाउनलोड करनी है, कहाँ से डाउनलोड करनी है, वो सब वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब आपका सिलेबस है, सिलेबस फॉर CET फॉर MTECH नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हर ब्रांच के हिसाब से अलग अलग सिलेबस है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, हर स्टूडेंट को उसके पर्टिकुलर कोर्स के हिसाब से सिलेबस पता
चल जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फिजिक्स 33.33%, केमिस्ट्री 33.33% और मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी में से। तो उसमें फिजिक्स में ये सिलेबस होगा आपका, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिए और देख लीजिए अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। केमिस्ट्री का आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री में आपका ये सिलेबस होगा। और मैथमेटिक्स का आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी आपका ये सिलेबस होगा। बायोलॉजी का आप देख सकते हैं, बायोलॉजी में आपका ये सिलेबस होगा। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं सीईटी फॉर एमटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स वालों में यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स, इतना स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और अगर आप चाहें तो पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये 60 से लेकर 80 के बीच में मिल जाएगा, जो मैंने खोला हुआ है पीडीएफ में, तो वहाँ पे आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, सो दैट आप आराम से यहाँ पे ले पाएँ, पढ़ पाएँ। अब देख लेते हैं एमटेक जो लेना चाहते हैं रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में, उनके लिए यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये सिलेबस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये सिलेबस है आपका। प्रोग्रामिंग इन सी फंक्शंस में ये सिलेबस है। ये सब आप देख लीजिए जो सब्जेक्ट है। बी आर्क में अगर लेना चाहते हैं तो एप्लीकेंट विल हैव टू फिल द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड नाटा स्कोर। तो बी आर के लिए नाटा वाला होगा, वो आपको यहाँ पे भरना होगा, तो उनके लिए यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसमें क्या होगा। एमबीए के लिए 101 कोड है, और उसमें सब्जेक्ट जो होंगे एंट्रेंस टेस्ट में वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। एमबीए अगर आप ले रहे हैं और आईटी में ले रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन और कंप्यूटर साइंस। एमसीए के लिए अभी यहाँ पे नोटिफाई नहीं किया है, तो वो आपको नोटिफाई कर देंगे बाद में। एम ए जो है एमसी में अगर ले रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और मास मीडिया, ये सब आप देख सकते हैं। एमपीटी में ले रहे हैं तो ये सिलेबस है, एमओटी में ले रहे हैं तो ये है। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके अपने पर्टिकुलर कोर्स के हिसाब से, बिकॉज कोर्स बहुत सारे हैं और मैं हर कोर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ के नहीं बता पाऊंगा आपको, बहुत सारे कोर्सेज हैं नीचे भी। तो आप आराम से यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। और अगेन मैं कह रहा हूँ कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको ढंग से समझ आ जाएगा। बाकी वीडियो को पोस्ट करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है द डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन सब पार्ट्स ऑफ द सिलेबस इंडिकेटिव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीईटी फॉर प्रोग्राम्स ऑफ स्टडीज एट ग्रेजुएशन लेवल। अभी वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कहते हैं, अब यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे हम देख रहे हैं। बीसीए वाले के लिए सीईटी कोड 114 है, और उसमें सब्जेक्ट्स देख सकते हैं आप, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, आईटी एंड साइंस रिलेटेड। बीएससी नर्सिंग वालों में ओनली फॉर अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। उनमें क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस अबाउट हेल्थ रिलेटेड मैटर्स। एलएलबी वालों के लिए क्लैट का होगा आपका कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो होगा। बीएड वालों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, पैरामेडिकल वालों के लिए दिया हुआ है, और बीबीए वालों के लिए यहाँ पे देख लीजिए, बीबीए वालों के लिए क्या क्या आएगा सिलेबस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड रिलेटिंग टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड द कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये सब आपका 25-25-25% आएगा। तो बीबीए वालों के लिए देख लीजिए, बीसीए वालों के लिए, बीएड वालों के लिए, एलएलबी वालों के लिए क्लैट होगा। तो ये कुछ कॉमन कोर्सेज के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी आप कोर्सेज के लिए देख सकते हैं आराम से। यहाँ पे बीकॉम के लिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ये बीए वालों के लिए लिखा हुआ है, बीएससी, बी फार्मा, बहुत सारे कोर्सेज हैं, अपने अपने कोर्सेज के हिसाब से आप देख सकते हैं। और एमबीए, एलएलएम, एमबीए, एमटेक, जितने भी पर्टिकुलर कोर्सेज की ब्रांचेज हैं उनके लिए यहाँ पे नोटिफाई हो जाएगा। लास्ट डेट सब कोर्सेज के लिए 31 मार्च रखी गई है अप्लाई करने के लिए, लेकिन जो सिलेबस होगा वो सब यहाँ पे आपको बाद में पता चल जाएगा। बाकी एम फिल सिलेबस फॉर सीईटी आप देख सकते हैं यहाँ पे, एम फिल का सिलेबस ये छोटा छोटा लिखा हुआ है एम फिल का, यहाँ पे देख सकते हैं एम फिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसके बाद यहाँ एम फिल साइकेट्रिक सोशल वर्क, उसके बाद यहाँ पीएचडी एजुकेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है, पीएचडी वाले जितने भी हैं उन सब के लिए लिखा हुआ है सिलेबस। तो हर यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने भी सिलेबस है आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। पीएचडी एनवायरमेंटल साइंसेस, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे कोर्सेज यहाँ पे कवर कर दूँ,
आपको आराम से यहाँ पे मौका मिल जाए पढ़ने का, स्क्रीनशॉट लेने का, ये आप देख लीजिए। इसके बाद टैक्सोनॉमी एंड बायोग्राफी, ये सब आपके सब्जेक्ट्स हैं जो भी हैं आपके पर्टिकुलर। एनवायरमेंटल साइंस में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट हैं इनके लिए, हैं जनरल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, नेचुरल साइंस, ये सब है। फिर ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन आप देख सकते हैं अपने कोर्सेज के हिसाब से। ये इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ सिलेबस फॉर पीएचडी मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, पीएचडी कंप्यूटर साइंस, बेसिकली पीएचडी वालों के लिए है सारा। रिसर्च मेथडोलॉजी कॉमन टू सीएसई आईटी सीए ईसी एमए डिसिप्लिन, उनके लिए ये है। सीएसई आईटी सीए सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट पार्ट भी, उनके लिए ये है। मैकेनिकल ऑटोमेशन, उनके लिए ये है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए अपने अपने कोर्सेज के हिसाब से। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज हैं, पीएचडी मैनेजमेंट, पीएचडी मैथमेटिक्स, पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर आपको ढंग से देखना है तो पीडीएफ ही डाउनलोड कर लीजिएगा, जो आपकी आपको आईपीयू की साइट पे मिल जाएगी। और आपको पीडीएफ के अंदर 60 से लेकर 90 के बीच में ये सब आपको मिल जाएगा सिलेबस वाला सेक्शन। तो अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको पेज भी बता रहा हूँ, 244 पेज की पीडीएफ है, तो दिक्कत तो होगी आपको ढूंढने में। बाकी यहाँ पे सिलेबस सब कुछ दिया हुआ है जिन जिनके एग्जाम्स आईपी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। कोर्सेज यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं पीएचडी हर लेवल की है यहाँ पे। ज़्यादातर कोर्सेज के मैंने यहाँ पे बता दिए हैं आपको, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएचडी लेवल के दे रखे हैं जितने भी हैं। कोर्सेज बहुत सारे हैं जिनकी यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पीजी डिप्लोमा के लिए भी दे रखा है, ये देख लीजिए आप अपने अपने कोर्सेज के हिसाब से। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेट वेट सब। तो यहाँ पे पूरा सिलेबस का मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है पूरा, आप देख सकते हैं ज़्यादातर कोर्सेज मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो अच्छी तरीके से आप अपने सिलेबस को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे आगे ना हो। बाकी अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें आईपी यूनिवर्सिटी का मैंने बताया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो वाली वीडियो आप आई बटन पे देख सकते हैं, मैंने डाल रखी है आई बटन पे, और एंड वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियोस के, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जरूर वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपको टाइम पर अगर नोटिफिकेशन चाहिए और अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल पाए। गाइस मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।